हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सी जी आर स्टडी आई क्यू में। आज हम बात करेंगे एमए पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक, जो दोस्त एमए पॉलिटिकल साइंस करना चाहता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, ठीक है, सी यू सेंट्रल यूनिवर्सिटी से जो एमए करना चाहता है पॉलिटिकल साइंस से, उसका मैं सिलेबस डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। क्योंकि जो झारखंड यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी, केरला सेंट्रल यूनिवर्सिटी, गुजरात सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी और राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इन यूनिवर्सिटियों का जो सिलेबस है एमए पॉलिटिकल साइंस का एंट्रेंस एग्ज़ाम का, वो सेम ही है। ठीक है, तो वो सेम ही है, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ सिलेबस क्या रहने वाला है एमए पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशनशिप। ठीक है, ये है, ये जो प्रोग्राम है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का एमए में, उसका सिलेबस है, ड्यूरेशन है, डिग्री 2 साल है, ठीक, 2 साल में डिग्री आपको मिलेगी। और हर जगह अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, ठीक, जो प्रेफरेंस है, जहाँ मतलब कि जो बेटर है, जहाँ से प्लेसमेंट बेटर अच्छा होता है, ठीक। जैसे ह्यूमन राइट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है, झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ह्यूमन राइट्स और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट से संबंधित जो डिग्री है दी जाती है। इंटरनेशनल स्टडीज, ठीक है, पंजाब सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिकल साइंस केरला सेंट्रल यूनिवर्सिटी, पॉलिटिक्स इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है, यह है कश्मीर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस गुजरात सेंट्रल यूनिवर्सिटी, पॉलिटिकल साइंस एंड सेंट्रल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी, पब्लिक पॉलिसी एंड लॉ एंड गवर्नेंस, ठीक, ये जो राजस्थान में, मोस्ट राजस्थान के लिए वीडियो बना रहा था क्योंकि काफ़ी सारा कमेंट आया हुआ था कि राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए एमए पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस डिस्कस कर दीजिए। तो मैं बता दूं, ये जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ हैं उन सभी के लिए जो सिलेबस है सेम है, ठीक है, चाहे आप झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, चाहे पंजाब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लें, चाहे जहाँ लें, उन सभी के लिए जो सिलेबस रहेगा, जो नीचे इसका सिलेबस है दिया गया है, वो सभी के लिए सेम है, ठीक है। हर जगह के लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन जो सिलेबस है सबका सेम है। तो अब मैं बता रहा हूँ कि चाहे झारखंड में एडमिशन लेना हो, चाहे राजस्थान में आपको, ठीक है, सिलेबस सबका सेम है। तो सिलेबस में मैं बात कर रहा हूँ, सिलेबस क्या रहने वाला है इसका, इसका सिलेबस जो है हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय क्रांति का इतिहास, ठीक है, जो आंदोलन हुए हैं उन 1857 से 1947 तक, जितने भी आंदोलन, विद्रोह और जो ये टाइम पीरियड है, ठीक है, वायरस राय, जितने भी संधियां हुई हैं, जितने भी एक्ट आए हैं, ठीक है, उन सब के बारे में, और जितने महान व्यक्तित्व के लोग हैं उनके बारे में, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। मोस्टली एक्ट एक्ट विद्रोह ये सब चीज़ें, और रीजन कॉजेस विथ रीजन और कॉज के साथ, ठीक, कंस्टिट्यूशनल, ठीक, कंस्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडियन कमीशन, ठीक है, संवैधानिक तौर पे जो भारत का विकास हुआ है वो, और भारतीय कमीशन कंस्टिट्यूशन, ठीक है, भारतीय संविधान के बारे में आपको पता होना चाहिए से, अच्छे से। पॉलिटिक्स इन इंडिया, यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट, फेडरलिज्म, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, सेक्युलरिज्म, फंडामेंटलिज्म, कास्ट क्लास इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये टॉपिक जो है इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, जो पॉलिटिक्स है इंडिया में, ठीक, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल है और स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल है, और फेडरलिज्म क्या है, ये मैं कुछ पॉलिटिकल टर्म्स हैं जो जिसके बारे में मुझे नहीं जानकारी है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरी इंग्लिश भी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो स्थानीय तौर पे जो जो शासन व्यवस्था होता है उसके बारे में, सेक्युलरिज्म, ठीक है, फंडामेंटलिज्म, कास्ट क्लास और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल साइंस, स्टेट सबरगिटी, ठीक है,
लाइबर्टी, ठीक है, इक्वलिटी, जस्टिस, राइट्स, प्रॉपर्टी और डेमोक्रेसी, ठीक है, जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस का जो बेसिक्स है, ठीक, राज्य, ठीक है, समानता, न्याय, अधिकार, ठीक है, प्रॉपर्टी, संपत्ति और डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, इन सब के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। लिबरलिज्म क्या है, मार्क्सिज्म, सोशलिज्म, ठीक है, और गांधीजम, ठीक है, जो जितने भी थॉट्स हैं उनकी विचारधारा क्या है आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके लिए, इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड एज ए डिसिप्लिन, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इंटरनेशनल रिलेशंस एंड फॉरेन पॉलिसी, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति क्या है भारत की, आपको ये आना चाहिए। कैसे कैसे संबंध है दूसरे देशों से, वो आपको आना चाहिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए भारत के रूस से क्या संबंध है, कितने समझौते हो चुके हैं, चाइना से समझौता कितना हुआ है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, अमेरिका, कनाडा, अफ्रीका, इन सब देशों से जो संबंध स्थापित किए गए हैं उनके बारे में पता होना चाहिए आपको। चैलेंजेस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय लोकतंत्र के लिए क्या चैलेंजेस, क्या चैलेंजेस मीन्स क्या वो हैं, चुनौतियां हैं, ठीक है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। टेररिज्म, ठीक है, जो टेररिज्म है, आतंकवाद, नक्सलिज्म, ठीक है, नक्सलवाद, करप्शन, भ्रष्टाचार और क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब सिंपल क्वेश्चन में बता रहा हूँ कि इसका जो सिंपल क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है, क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं ये देख लीजिए आप। सिंपल क्वेश्चन क्या है, इन विच ईयर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वाज सेटअप, ठीक, कब ये कमीशन सेटअप हुआ। दूसरा क्वेश्चन है, हु इज द ऑर्थर ऑफ द बुक रिपब्लिक, रिपब्लिक बुक का ऑर्थर कौन है, ठीक है, तो ये इसमें दिया गया है, सुकरात, प्लेटो, ठीक है, लैक, अरिस्टोटल, ठीक है, प्लेटो, सुकरात, ये सब नाम दिए गए, आपको जो सही लगे ऑप्शन उसको चूज करना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और क्या है, हु हैज सेड दैट, ठीक है, सार्वज्ञानिकी इज द सुप्रीम पावर ओवर सिटीजन एंड सब्जेक्ट, अनरेस्ट बाय लॉ, ठीक है, ये किसने कहा है, ये जो सेंटेंस है इसके बारे में, ठीक, ऐसे क्वेश्चन बनने वाले हैं। मैं सिलेबस आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ एक बार से कि सिलेबस क्या रहने वाला है। इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जो मूवमेंट रहा है 1857 से 1947 के बीच में, जितने भी एक्ट क्रांतियां हुई हैं और जितने एक्ट आए हैं, जितने विद्रोह हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, भारतीय संविधान के बारे में पता होना चाहिए, भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ, ठीक, कैसे भारतीय संविधान बनने का प्रोसेस क्या क्या रहा है, ठीक, उसके बारे में पता होना चाहिए आपको। पॉलिटिक्स इन इंडिया, ठीक है, भारतीय राजनीति में, हाँ, केंद्र 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 सरकार और राज्य सरकार का क्या रोल है, स्थानीय शासन व्यवस्था का क्या रोल है, ठीक है, इसके बारे में पता होना चाहिए। कास्ट, क्लास और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत का विकास कैसे हुआ है, हो रहा है, इसके बारे में पता होना चाहिए, कितने उस पर नीतियाँ आ चुकी है, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल साइंस स्टेट, ठीक है, जो बेसिक पॉलिटिकल साइंस, समता का अधिकार, इक्वलिटी, जस्टिस, न्याय, मौलिक अधिकार और बोलने का अधिकार, ये सब के बारे में, राइट्स और आपके जितने भी अधिकार हैं बताना चाहिए, और प्रॉपर्टी और डेमोक्रेसी, ठीक, लोकतांत्रिक देश है तो उसके एक लोकतांत्रिक देश के लिए क्या विशेषताएं होती हैं, क्या का मतलब लोगों का अधिकार रहता है, क्या शासन शासन प्रशासन चलाने वाले को क्या अधिकार रहते हैं, ठीक, इसके बारे में पता चलेगा, ठीक है। लिबरलिज्म, मैक्समिज्म, ठीक है, सोशलिज्म, मैजम, ठीक है, गांधीजम, ये जो कुछ विचारधाराएं हैं ये इसके बारे में पता होना चाहिए आपको, ठीक है, ये फिलॉसफी है, ठीक है, थोड़ा समझ लीजिए फिलॉसफी टाइप का है, ये पता होना चाहिए आपको। इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और फॉरेन पॉलिसी, मतलब विदेश नीति क्या है भारत की, अंतर्राष्ट्रीय संबंध किससे किससे किन देश से है,
क्या क्या समझौते हुए उसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए आप। चलेंज ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इंडियन डेमोक्रेसी, भारत लोकतंत्र के लिए क्या चुनौतियां हैं, जैसे कि टेरर, टेरर टेरर मीन्स की टेररिज्म, मतलब कि आतंक, आतंकवाद, नक्सलिज्म, नक्सलवाद, भ्रष्टाचार, ठीक है, और क्राइम, मतलब कि जो क्राइम मतलब करना, मतलब कि अपराध है, अपराध के लिए क्या पॉलिटिक्स है, ठीक, उसके लिए क्या पॉलिसी वगैरह है, क्या नीति है, कौन कौन से अधिनियम्स हैं, किस अधिनियम के तहत काम किया जाता है, तो ये सब चीज़ें आपको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। यही बेसिक सिलेबस है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, चाहे बिहार यूनिवर्सिटी हो, चाहे राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, गुजरात यूनिवर्सिटी हो, केरला, कश्मीर, ठीक, सब के लिए सेम है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों ज़रूर अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। यही सिलेबस है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।